गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स को। और फिजिक्स में हमारे पास चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट को ही पढ़ रहे थे। और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो टॉपिक था वो चल रहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3D। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3D। तो आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो 3D है उसका सेपरेशन करेंगे, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने श्रोडिंगर वेव पढ़ी थी। उसके लिए हमने एक वेव फंक्शन लिया था, साईआरटी की वैल्यू ली थी, e^i(kr-omega)t हमने लिया था। ठीक है, और इसमें माना कि कोई भी कण स्वतंत्र गति करता है तब हमारे पास कण की जो ऊर्जा होगी ये रहेगी। इसको हमने 3D में चेंज किया था। उसके बाद हमने के की फॉर्म में px को रखा। उसके बाद हमने एक वेव इक्वेशन ली। वेव इक्वेशन के अंदर हमने गामा की वैल्यू कैलकुलेट करके और गामा की वैल्यू निकाली थी। हमारे पास गामा की वैल्यू ये आती है। ठीक है, इस गामा की वैल्यू को यहाँ रखा, इसको दोनों तरफ अटैच कर से गुणा करके हमारे पास एक समीकरण आई ये। ठीक है, और इस समीकरण में हमने क्या किया था, यहाँ पर लाप्लास ऑपरेटर को लगाया और लाप्लास ऑपरेटर लगाने के बाद एक इक्वेशन आई, जिसको हमने बोला कि श्रोडिंगर 3D इक्वेशंस, श्रोडिंगर 3D इक्वेशंस है। उसके बाद हमने बलों का समावेशन किया और हमने मान के चले कि हमारे पास कोई कण है एम द्रव्यमान का जो कि बल क्षेत्र एफ में कार्यरत है या बल क्षेत्र एफ के अंतर्गत कार्यरत है, तो उस पर जो पोटेंशियल फोर्स होगा वो रहेगा माइनस ग्रेडियंट वी, यानी कि पोटेंशियल फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तब हमारे पास एनर्जी की वैल्यू बदल जाती है और एनर्जी वैल्यू बदलने के बाद हम उस एनर्जी के पर दोनों तरफ वेव फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं। और वेव फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस। आज हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन के टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस को कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम जो हमारे पास इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशंस उसको हम लिख लेते हैं। तो हम एक बार इक्वेशन को डिफाइन करेंगे कि माना एम द्रव्यमान तथा पी संवेग के एक कण की स्थिति ऊर्जा, मैं लिख देता हूं, माना एम द्रव्यमान व संवेग पी के एक कण की स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र, स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गति करता है। तथा तरंग फलन साईआरटी है तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण निम्न होगी। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या हो गया उनके पास, ये रहेगी माइनस का h² / 2m एंड ∇² sin RT प्लस VRT, और इन दोनों के बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई रहेगा वेव फंक्शन sin RT और इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे E और sin R T। और इसको देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ये जो समीकरण है हमारे पास, ये समीकरण काल आश्रित समीकरण, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है। ठीक है, तो अब हम इस काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को अलग अलग करेंगे। टाइम डिपेंडेंट अलग होगा और पोजीशन डिपेंडेंट अलग कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे हैं जो केवल टाइम पे ही डिपेंड करती हैं। कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो पोजीशन डिपेंडेंट ही होती,
तो पोजीशन डिपेंडेंट के लिए हम पोजीशन डिपेंडेंट श्रोडिंगर तरंग समीकरण को काम में लेंगे, और जो टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम होंगी उसमें हम टाइम डिपेंडेंट समीकरण को काम में लेंगे। लेकिन हमारे पास जो बीएससी पार्ट थर्ड है उसके अंदर टाइम डिपेंडेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो है ही नहीं अभी फिलहाल आपके, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैंने गलत लिख दिया, देखो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, सॉरी पोटेंशियल लिखा है, देखो वी आर टी फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टाइम डिपेंडेंसी पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट कर रहा है, तो पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट कर तो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में ये चीज़ नहीं। अपने सिलेबस में जो है उसमें ये माना गया है कि जो पोटेंशियल है वो केवल पोजिशन डिपेंडेंट ही है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे कि वी टेक ओनली पोजिशन डिपेंडेंट पोटेंशियल। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल जो है विभव है, विभव क्षेत्र तो विभव जो क्षेत्र होगा वो हमारे पास समय डिपेंडेंट ना हो करके सारे के सारे पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे पास समय डिपेंडेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल पोजीशन डिपेंडेंट पोटेंशियल को ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो तरंग फलन होगा वो भी हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, तरंग फलन जो है वो साई आर और टी है, तो उसको भी हम पोजीशन डिपेंडेंट अलग और टाइम डिपेंडेंट अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास इसको साई आर लिख सकते हैं और फाई आर लिख सकते हैं, फाई टी लिख सकते हैं, फाई टी, ठीक है। साई का मतलब होगा कि वो पोजीशन डिपेंड है, और फाई का मतलब होगा कि वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन यहाँ पर हमने लिया गया। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर टू, इस पूरे को मिला करके ही दे देंगे टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये वाली वैल्यू रखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, तो आप इसको ऐसे दे दीजिएगा 2a और 2b। तो इक्वेशन नंबर 2a पुट इन इक्वेशन नंबर 2b, तो हमें मिलेगा माइनस का एच कट स्क्वायर बटे में 2m एंड डेल स्क्वायर साई आर टी, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस वी आर एंड साई आर टी इज इक्वल टू ई साई आर और टी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगेन इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 2b है उसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, ये इसको थर्ड दे दीजिए आप थर्ड में, तो हमें मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर बटे में 2m, ओके, एंड डेल स्क्वायर, और ये रहेगा हमारे पास साई आर और फाइ टी प्लस वी आर साई आर फाई टी इज इक्वल टू ई, और ये रहेगा फाइ टी एंड साई आर। इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है। अब एक चीज़ हम इसमें और करते हैं, जो ऑपरेटर है इसको और ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है ई, उसका जो ऑपरेटर होता है आइटा एच कट डेल अपॉन में डेल टी होता है। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई आर फाई टी प्लस वी आर साई आर फाई टी बराबर आइटा एच कट डेल अपॉन डेल टी एंड साई आर और फाई टी। अब आप ऑपरेट करवा दीजिए जितने भी ऑपरेटर्स हैं, देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है ऑपरेटर, तो इसका अवकलन इसके साथ होगा, समय वाला जो है उसको बाहर निकालेंगे, तो माइनस का रहेगा फाई टी अपॉन में 2m और एच कट स्क्वायर, ठीक है, और डेल स्क्वायर और साई आर अंदर रहेगा, प्लस इसमें भी हमारे पास देखो ये पोजीशन डिपेंडेंट है, तो पोजीशन रहेगी, समय को बाहर निकाल लेंगे, तो फाई टी आप इधर लिख लीजिए और वी आर और साई आर आप अंदर लिख लीजिए, बराबर यहाँ पर देखो टाइम की सापेक्ष है, तो टाइम अंदर रहेगा, पोजीशन बाहर आ जाएगी, फिर रहेगा साई आर
आइटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पर आप फाइव टी लिख सकते हैं। इसको देंगे समीकरण नंबर चार, और जो समीकरण नंबर चार है, चार में समीकरण नंबर टू बी का भाग देने पर, भाग देने पर आप टू बी कौन सी है, टू बी अपने पास ये है साई आर टी के अंदर, अपन भाग देंगे साई आर फाइव टी का, ठीक है। तो पूरी समीकरण में आप भाग दे दीजिएगा तो आपके पास मिलेगा इधर माइनस फाइव टी एच कट स्क्वायर बटे में टू एम इंटू फाइव टी, और साई आर का हमने भाग दिया है डेल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा साई आर प्लस, इधर देखिए फाइव टी वी आर साई आर का भाग देंगे, और साथ में यहाँ पर है फाइव टी और साई आर इक्वल टू, इधर हमारे पास साई आर आइटा एच कट, और डिवाइड किसका दिया साई आर और फाइव टी का डिवाइडेशन दे दिया है, और डेल फाइव टी अपॉन डेल टी। अब इसमें कुछ कटेगा यहाँ से फाइव टी से, और फाइव टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से फाइव टी से फाइव टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से साई आर से और साई आर क्या जाएगा कैंसिल आउट। जो बची हुई टर्म्स हैं उनको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो इसमें जो बची हुई टर्म है उसको मैं लिख देता हूँ। तो देखो ये मिलेगा माइनस का एच कट स्क्वायर बटे में टू एम, और यहाँ पर मिलेगा साई आर एंड डेल स्क्वायर और साई आर प्लस, यहाँ पर आपको मिलेगा वी आर साई आर अपॉन में साई आर, और इधर मिलेगा आपको आइटा एच कट अपॉन फाइव टी, और इधर मिलेगा डेल फाइव टी अपॉन डेल टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब आप इसमें ये चीज़ देखेंगे कि ये जो समीकरण है इसका एक पद तो हमारे पास डिपेंड करता है समय पर, और एक पद डिपेंड कर रहा है इसका पोजीशन पर, तो हम इसको एक नए ऑपरेटर की तरह मान लेते हैं, या सॉरी नए क्वेश्चन की बराबर मान लेते हैं। तो ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा भाग स्थिति पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है, और ये वाला जो भाग है ये हमारे पास समय पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। ठीक है, समय पर निर्भर कर लिया। अब क्या करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं दोनों पद एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अतः दोनों पदों को अलग अलग किसी नियतांक के बराबर करने पर, नियतांक के बराबर करने पर, तो ये हमारे पास जो नियतांक उसको हम ई नियतांक के बराबर कर लेते हैं। तो पहला तो हमारे पास रहेगा माइनस का एच कट स्क्वायर बटे में टू एम साई आर डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर अपॉन में साई आर, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ई के बराबर, इसको देंगे समीकरण नंबर छः, और इधर वाले को भी अपन क्या कर लेते हैं समय को, रहेगा आइटा एच कट अपॉन फाइव टी, शुरू। तो यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट जो है उसको लिख देता हूँ कि डेल फाइव टी अपॉन डेल टी,
वो भी किसके बराबर रहेगा, एनर्जी बराबर। इसको देंगे समीकरण नंबर 7। अब समीकरण नंबर 6 को फिर से सोल्व करते हैं। तो हमारे पास समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 6 क्या है, माइनस का एच कट स्क्वायर बटे में 2m साई आर इन डेल, डेल स्क्वायर कर लीजिए डेल स्क्वायर और साई आर, प्लस ये रहेगा वी आर साई आर अपॉन साई आर इज इक्वल टू ई रहता है। इस साई आर को और इस साई आर को आप इधर भेज दीजिएगा तो आपके पास मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर बटे में 2m एंड डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर फिजिकल टू ई और साई आर। ये हमारे पास एक समीकरण आ जाती है और इस समीकरण को हम बोलेंगे उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहला, तरंग समीकरण कहला। ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट हो गया या काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण प्राप्त हो गई। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर जब 7 को सोल्व करोगे तो आपको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस मिलेंगी। उसको अपन और सोल्व कर लेते हैं तो देखिएगा समीकरण नंबर 7 से, समीकरण नंबर 7 से, तो समीकरण 7 क्या कहती है, समीकरण 7 कहती है कि 1/φt और इधर हमारे पास आयटा एच कट एंड डेल फाइव टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई और ई था इधर ई। इस फाइव टी को आप इधर लेके आ जाइएगा तो आपके पास मिलेगा आयटा एच कट डेल फाइव टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई एंड फाइव टी। ये जो समीकरण है ये हमारे पास काल आश्रित समीकरण कहलाता है, उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है, तरंग समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन भी करेंगे अपन। तो आप यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे काल आश्रित स्प्रिंगर तरंग समीकरण का हल, तरंग समीकरण का। तो ये हमारे पास रहेगा कुछ इस तरह से, कैसे आयटा एच कट डेल फाइव टी अपॉन डेल टी इक्वल टू ई और यहाँ पर फाइव टी, इस फाइव टी को उधर ले जाए डी टी को उधर ले जाएगा। ठीक है, फिर रहेगा आयटा एच कट और ये हो जाएगा डी फाइव टी अपॉन फाइव टी और इधर हमारे पास होगा ई और डी टी। दोनों तरफ समंग कर दीजिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो हमारे पास इधर हो जाएगा समाकलन आयटा एच कट एंड डी फाइव टी अपॉन डी टी और इधर हो जाएगा समाकलन ई और डी टी। तो इसका रहेगा ये आयटा एच कट तो बाहर जाएगा इंटू ये रहेगा लॉग फाइव टी और इधर हमारे पास रहेगा ई और टी ये रहता है और प्लस में एक लॉग सी समाकलन नियतांक हमारे पास आ जाएगा। इसमें अपन आयटा एच कट को क्या कर देते हैं इधर भेज देते हैं
हमारे पास हो जाएगा ये कि log phi t इक्वल टू e अपॉन आयटा एच कट एन टी प्लस log c रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस log को भी उधर भेज देते हैं, तो phi t आपको मिलेगा c और e की पावर आयटा लिख लीजिए आयटा, तो ये माइनस पर जाएगा आयटा e अपॉन एच कट और टी। ठीक है, और यहाँ पर आप e की वैल्यू रखोगे जब क्या एच कट ओमिका, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फाइव टी इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस आयटा, ये रहेगा ओमिका और टी, तो ये आपके पास क्या रहेगा सॉल्यूशन रहेगा। इसका आप लिख सकते हो उपरोक्त समीकरण श्रोडिंगर में कौन सा काल आश्रित समीकरण का हल है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमारे पास अब जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण आई है उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, या जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस। तो यहाँ इसमें अपने पास चार प्रॉपर्टियां हैं, मैं वह आपको लिखवा देता हूँ। पहली तो इसमें क्या है कि जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो प्रथम कोटि की अवकल समीकरण, समय में प्रथम कोटि है ना, पहले मैं समीकरण लिख दूं, माइनस का एच कट स्क्वायर बटे में 2m एंड डेल स्क्वायर साइन आर टी, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आर कॉमा टी प्लस वी आर साइन आर टी इक्वल टू आयटा एच कट डेल अपॉन डेल टी एंड साइन आर और टी था। तो इसमें पहली विशेषता यह है समय की प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, प्रथम कोटि की अवकलन समीकरण है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसके कारण किसी भी समय कण की स्थिति का पता लगा जा सकता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता रहेगी। दूसरा हमारे पास जो है यह है साई में रेखीय समीकरण है, इससे क्या होगा, इससे हम अध्यारोपित कर सकेंगे हलों को। अगला हमारे पास है तीसरा, यह एक समांगी समीकरण है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन कोशेंट है वो समय पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास इसमें है कि समतल तरंग समीकरण भी श्रोडिंगर समीकरण का एक हल संभव है, समतल तरंग फलन भी
समतल तरंग फलन भी समतल तरंग फलन भी श्रोडिंगर समीकरण का एक हल है। श्रोडिंगर समीकरण का हल है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी विशेषता थी, और इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे तरंग फलन की भौतिक सार्थकता और इसकी व्याख्या, इसके नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन, ठीक है, प्राय का धारा घनत्व, किस किस को ये सेटिस्फाई करती है, किस किस को नहीं कर पाती, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जिंदा रहो।